आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कैंडल बुझा दी। सुनियो, तुम्हें इन लोगों से भी बर्थडे की विश मिली है, देखो। अरे वाह डैड, आप तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। एक बात तो बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? दरअसल डैड, मैं एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, पर क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बनाए कुछ डिजाइन हैं? जल्दी से बताओ। क्या सच में? मेरे पास अपने कुछ डिजाइन भी है जो मैंने बनाए हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ, मेरा एक दोस्त है इटली का जो एक फैशन डिजाइनर है। तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, ये बताओ क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? बोलो, और फिर हम तुम्हारे डिजाइन उसको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो है, उससे पहले हमें तुम पर काम करना होगा। क्या सच में? जगह तो बहुत अच्छी है। अरे वाह, वेलकम। क्या तुम्हारा नाम सोनियो है? है ना? फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सब मुझ पर छोड़ दो, मुझे कुछ आइडियाज आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में जादू है, जादू। जब मेरा नाम आता है तो मैं किसी को भी लाजवाब बना सकता हूँ, चाहे वो कोई भी भालू हो या कोई और हो। अरे कितने अच्छे बाल है, इन्हें मेरे जादू की जरूरत है। मैंने हाल ही में साबा क्लासेस लेनी शुरू की है। जब मैं साबा करते हुए हेयर कट करता हूँ तो कमाल हो जाता है। ऐसे फिर ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। सुनियो, हो गया। मैंने एकदम हट के हेयर कट किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है, जरा देखो। हे नोबिता, जरा एक मिनट इधर तो आना। ये क्या है? क्या हुआ? नहीं नोबिता, क्या हो गया? देखो नोबिता, अगर रास्ते पर केले का छिलका पड़ा हो तो तुम्हें गिरना नहीं चाहिए। मैं अपने डैड के नए कैमरे का इस्तेमाल करना चाहता था इस प्यारे से मौके की फोटो के लिए। अभी गिरो, जल्दी। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम गिरे नहीं तो मैं एक फोटो कैसे खींच पाऊंगा? और अगर कहीं फोटो अच्छी नहीं खींची ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अब मैं जियान के लिए अलग सी फोटो का सीन कहाँ से लेकर आऊँ? मैं चाहूँ भी तो भी ऐसा नहीं हो सकता। अरे सुनियो, ये क्या कर रहा है? सुनो नोबिता, तुम्हारे सर को क्या हो गया? सुनियो, क्या? कुछ भी नहीं नोबिता। बताओ तो क्या हुआ? वो बात ये है कि, अरे ये कैसे हुआ? मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास गया था, उसने ऐसा किया। मैं जा रहा हूँ। वो तो है। क्या कहा, सुनियो के बाल अजीब लग रहे हैं? ये तो अच्छी खबर है ना? ये मजेदार लगता है, इसकी फोटो तो जरूर लेनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ। मैं भी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को किसी और को नहीं देखने दूंगा। जल्दी से जाकर मुझे बालों को ठीक करवाना है। क्या, ये तो आज बंद है, अब मैं क्या करूँ? सुनियो मेरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो? ये तुमने अपना सर ऐसे क्यों ढक रखा है? नहीं नहीं नहीं, 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 ऐसी कोई खास बात नहीं है। अच्छा, तुम ये अपने हाथ में कैमरा क्यों लेकर घूम रहे हो? दरअसल मैं तो ये कैमरा, मैं इतनी थी कि स्कूल फोटो रुता भी लोग खा मेरा था। छोटू ना किमी से थे ओ। नहीं देखने दूंगा। लगता है किसी को भी हेयरकट नहीं दिखाना चाहता। अच्छा तो फिर मैं ऐसा कुछ जो लोगों को ढूंढे। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, देता हूँ। इसे अपनी नाक पर लगाकर उसकी स्मेल का पीछा करो। फिर मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल जाएगा। लाओ मुझे दो, देखता हूँ। या फिर ढूंढ किसको रहा है? क्या
तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ गया है? वो शायद इस तरफ गया हो। मुझे जल्दी से अपने बालों का कुछ करवाना पड़ेगा। अरे ये लोग फिर आ गए, कहाँ जाऊँ? वो शायद यहाँ है। अरे सुनियो, इस तरफ। वो मिल गया। अरे ये क्या है? ये लोग हार नहीं मानेंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। एक फोटो की तो बात है, वो क्यों नहीं खिंचवा रहा? समझ नहीं आ रहा। अरे वो रहा, तो तुम यहाँ हो? एक मिनट रुक जाओ, मैंने सब कुछ सुना, पर सुनियो के लिए मुझे बुरा लग रहा है। सही कहा, सही कहा। सुनो नोबिता, तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे बचाने के लिए तुम सबका शुक्रिया। क्योंकि तुम्हारे बाल थोड़े अजीब से थे, बस इसीलिए सुनियो। हाँ सही कहा, बाल तो दिखाओ, शर्माओ मत, हमें दिखाओ, डरो मत, हमें दिखाओ। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, वो हमें नहीं मिल रहा जियान। चुप रहो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। जाओ जाकर डोरेमोन से कोई ऐसा गैजेट लेकर आओ जो वो कपड़ा हटा दे, समझे? ये तुम्हें क्या हो गया? किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये जियान का काम है ना, बताओ। नहीं सुनियो का, इस काम के लिए तुम्हारे पास कोई गैजेट नहीं है। ये रोबोट चलाकी से कोई भी कपड़ा हटा सकते हैं। ये तेज हवा और तेज गर्मी देने का काम करते हैं। मैं इन्हें ले जाऊं? हाँ जरूर, इनको साथ ले जाओ। इनकी मदद से तुम सुनियो को आसानी से पकड़ लोगे। लेकिन ये कपड़ा हटाने की बात क्यों कर रहा था? सुनिए अंकल, अरे ये वो नहीं है। सुनिए अंकल, सुनिए अंकल, मेरी बात सुनिए अंकल। नोबिता तैयार हो जाओ। सुनियो के सर का कपड़ा जो हो गया। ये क्या चीज है? अरे ये वो क्या रहा है? अरे सुनियो, क्या तुम ठीक हो? लगाओ, वो कपड़ा नहीं उतार रहा। ठीक है। बोलिए बोलिए, कौन सा कपड़ा हटवाना है आप लोगों को? सुनियो के सर का कपड़ा उतरवाओ। बिल्कुल सर, हो जाएगा। अब आप जरा साइड हो जाइए प्लीज। अब देखना मेरा कमाल, ये लीजिए, हो गया। बहुत ठंड है, बहुत ठंड। अचानक गर्मी कैसे हो गई? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मुझे मेरी फोटो मिलने वाली है। ये तुम क्या बोल रहे हो? डोरेमोन, तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? तुम सबको वो दिखाना चाहते हो जो तुम्हारा दोस्त नहीं दिखाना चाहता। माफ करना। देखो अब तुम रुक सकते हो। नहीं अब नहीं रुक सकते। अगर एक बार तुम इन्हें कोई ऑर्डर दे दो तो फिर ये रोबोट काम पूरा करने से पहले नहीं रुकते। अरे शिज़ुका, इसे क्या हो गया? どうしたの？夢美容師に髪切ってもらったらとんでもないことになっちゃったんです。ऐसा क्या कर दिया उसने? मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ दिखाओ मुझे।
क्या हुआ? हाँ। अरे ये क्या कर दिया उसने? अरे ना दोको का है ना नकाशिरो। सो। देखिए, उसने तीन की जगह मेरे बालों को चार में डिवाइड कर दिया है। अरे नहीं, मेरा कैमरा टूट गया। ये क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो। अच्छा हाँ मुझे याद आया, ये वही है ना जिसके बारे में आप मुझे उस दिन बता रहे थे। मैं जरूर चलूंगा। यह मैं जा रहा हूँ। क्या बात है। मैं आज बहुत खुश हूँ। इनसे मिलो सोनियो, ये है मशहूर इटालियन फैशन डिजाइनर मिस्टर मिलानो। सो कैसे हो? ये पिज्जा तो बहुत ही अच्छा है। आपको ये पिज्जा खाकर जरूर इटली की याद आ जाएगी। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? ओके। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये ड्राइंग्स तुमने बनाई है, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। तुम काम सीखना चाहते हो तो मेरे ऑफिस आ सकते हो। क्या? मुझे पता था तुम कर दिखाओगे। सुनियो, मिस्टर मिलानो का अपना डिजाइनिंग स्कूल भी है। तो इसका मतलब मेरा सपना सच होने वाला है। मैं इटली जाऊंगा और एक बड़ा डिजाइनर बनूंगा, सबके साथ डांस करूंगा। नहीं, ये क्या किया? ये तो टूट गया। अब मैं क्या करूंगा? मैंने इसे सुनियो से लिया था। अरे तुमने मेरा प्लेन तोड़ दिया। सुनियो, मुझे माफ कर दो। इसने जानबूझ कर नहीं किया, गलती हो गई सच में। मेरे पास एक खुशखबरी है दोस्तों। हाँ? क्या हो गया सुनियो, तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे पास कोई खुशखबरी है? हाँ, जानना चाहोगे? मैं समझा नहीं। खुशखबरी ये है कि मैं पढ़ने के लिए इटली जा रहा हूँ। क्या तुम आगे पढ़ने के लिए इटली जा रहे हो? क्या तुम वहाँ पिज्जा बनाना सीखोगे? क्या नोबिता, वहाँ पर पिज्जा बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं वहाँ पर फैशन डिजाइनिंग करने जा रहा हूँ। लेकिन ये सब अचानक से क्यों? पता नहीं, मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था। अब मेरा सपना सच हो रहा है। क्या तुम अकेले नहीं रह जाओगे? ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने घर और दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा ना। यही तो खुशी की बात है। अब मुझे रोज रोज तुम्हारा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा नोबिता, समझे तुम? क्या कहा? मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। अच्छा हुआ ये जा रहा है। तो वो इटली जा रहा है। आइडिया, क्यों ना हम उसे एक पार्टी दे ताकि वो हमें याद रखे। तुम जरूर मजाक कर रहे हो। मैं क्यों उसे पार्टी दूं? वो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता है, समझे? अगर तुम चाहते हो तो तुम उसे अकेले पार्टी दे सकते हो। सुनियो, मैंने सुना है तुम पढ़ने के लिए इटली जा रहे हो। लगता है सबको इसका पता चल गया। मैं इसको सीक्रेट रखना चाहता था, लेकिन अरे ये सब क्या है? ये रही वो कॉमिक बुक्स और टॉयज जो मैंने तुमसे लिए थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। इस सब की क्या जरूरत थी? वैसे भी इन सब के बारे में मैं भूल चुका था। नहीं, ये तुम्हारी चीजें हैं, इन्हें लेकर जाओ। लेकिन जियान, अब तो मैंने रख सकते हो। अच्छा तो ठीक है सुनियो। अरे क्या हुआ? अगर तुम्हें वहाँ जाकर कोई परेशानी हुई तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए वहाँ भी आ सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जियान। इटली, जियान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो इटली नहीं आ पाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि हम जाने से पहले उसे सरप्राइज दें? क्या? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। सुनो नोबिता, इटली सच में ही बहुत दूर है। ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम कहती हो तो ठीक है शिजुका। तो फिर ठीक है। क्या तुम सच कह रहे हो सुनियो? अरे आखिर बात क्या है शिजुका? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सुनियो, मुबारक हो। अरे ये क्या है? हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक सरप्राइज और दें। हम बस तुम्हारे साथ खुशी बांटना चाहते थे। तुम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो ना? चाहे जो भी हो, हम तो हमेशा दोस्त ही रहेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा।
तुम्हारा शुक्रिया। देखो सुनियो, हम तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं ला पाए, मौका ही नहीं मिला, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बता देना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे शर्माओ मत। सही कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं शिजुका के हाथ का बना हुआ होममेड केक खाना चाहता हूँ। सही कहा तुमने, ये तो है, शिजुका के हाथ का बना हुआ केक फिर कभी खाने को नहीं मिलेगा तुम्हें। तुमने सही कहा। हाँ, और कल से तो मैं वैसे भी इटली के बड़ी बड़ी जगहों से पिज्जा खाऊंगा। मुझे माफ करना, मुझे तुम सबकी याद आएगी। शिजुका, हाँ मैं अभी जाकर केक बनाकर लाती हूँ। क्या कहा, सच में तुम्हारा शुक्रिया। अब जल्दी जाओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। सुनो सुनियो, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तुम कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, दरअसल मैं एक फैशन शो कराना चाहता हूँ, पर वो तो मुमकिन नहीं है ना। डोरेमोन। ड्रेसअप कैमरा। सबसे पहले मैं एक स्टेज बनाऊंगा। ये तो लाजवाब है, इन कॉस्ट्यूम्स का भी इस्तेमाल करो। ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है, ये वाला भी ट्राई करो। शिजुका, अब तुम्हारी बारी। हाँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। काश ये लम्हा और ज्यादा यादगार हो पाता दोस्तों, अगर चीयर लीडर्स होती तो और अच्छा लगता। डोरेमोन, ऐसी बात है तो एक्साइटमेंट बिल्डिंग ऑडियंस। शिजुका, फिर से तुम्हारी बारी। हाँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। ये तो मजेदार है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगला कॉस्ट्यूम डोरेमोन। हाँ, आया। जल्दी से ये वाला कॉस्ट्यूम। ठीक है। और उसके बाद ये वाला। और उसके बाद ये वाला। जियान कहाँ चला गया? जियान। मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने ज्यादा इंतजार करवाया, लेकिन अब मैं सुनियो के लिए एक गाना गाने वाला हूँ। जियान, तो? अभी फैशन शो खत्म नहीं हुआ है, परेशान मत करो। क्या परेशान? मेरी पार्टी में वही होगा जो मैं चाहूँगा। मैंने तुम्हारे लिए एक नई कॉस्ट्यूम पहनी और एक गाना भी गाने वाला था, जानते हो ना। दरअसल परेशानी तुम्हारे कॉस्ट्यूम में ही है, ये कितने पुराने जमाने का कॉस्ट्यूम है जियान। क्या कहा, तुम्हें मेरा कॉस्ट्यूम बिल्कुल पसंद नहीं आया? हाँ बिल्कुल पसंद नहीं आया, और तुम्हारा गाना मुझे कभी पसंद ही नहीं था। दरअसल तुम जब भी गाते हो बेसुरा गाते हो, असल में तुम शोर मचाते हो, समझे? शोर मचाती हूँ, शोर मचाती हूँ। क्या कहा? रुक जाओ जियान। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया, मुझे माफ कर दो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम इटली से वापस आओगे, मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। सुना तुमने? एक बार वापस तो आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। रुक जाओ जियान, मैं कहती हूँ रुको तो सही। जियान, मेरे दोस्त सब कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सबको उसकी याद आएगी। नहीं तो चाहे वो कितनी भी दूर चला जाए, दोस्त तो दोस्त ही रहेगा ना। सही कहा।
अब मैं चलता हूँ। सुनियो कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल मॉम मैं इटली जा रहा हूँ, वहाँ के डिजाइनर स्कूल में पढ़ने के लिए। मॉम वो स्कूल तो पास ही के शहर में है, इतनी जल्दी निकलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आ जाओ वापस आओ। तुम्हें आज बहुत ज्यादा क्लासेस लेनी होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे लगे रहो। मैं इटली जाने वाला था जी, आज मुझे माफ कर दो।